भगवान के वर्धमान की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषि राज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तीर्थंकर सम गुरुदेव की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषि राज की गाथा। देखो पूर्णमती माता जी ललितपुर से बिहार होते हुए सागर जा रही हैं। यहाँ पे आई थी ललितपुर में, बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग काफ़ी लंबे समय से माता जी से जुड़े हुए हैं। सागर जा रही हैं, काफ़ी दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी बिहार करते हुए जा रहे हैं। साधुओं को तो जाना ही है, तो बिहार करते हुए हम लोग भी सागर जा रहे हैं माता जी के साथ में। ये झांसी से बिहार हुआ है, अच्छे श्री के संकेत है सागर के, तो ये सागर जा रही हैं। जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश कर रही हैं। ये ललितपुर में भी नहीं रुकी, कहीं भी अंदर प्रवेश नहीं कर रही, इनको बस बाहर से गुरु जी के दर्शन किया क्योंकि प्यासी है, तो ये जल्दी जल्दी लगा रही हैं। बहुत इच्छा है इनसे गुरु जी। ये ललितपुर सागर नगर में सुना है दीक्षा, अधिका दीक्षा होने की पूर्ण संभावना है, इसलिए माता जी को जल्दी से विहार करना। तो एक दिन में कम से कम 25 किलोमीटर दूर माता जी प्रतिदिन विहार कर रही हैं। आरी का संघ, आठ माता जियों का संघ है, और अभी जो आहार विहार चल रहा है उसमें आहारचर्या में भी प्रतिदिन माता जियों को अंतराय हो रहा है, शुरू से भी अंतराय हो रहा है, फिर उसके बावजूद भी 50 किलोमीटर कम से कम वो चल रही हैं। उसके बाद भी हमको बिहार कराते हुए हम लोगों को असीम आनंद हो रहा है कि हम लोग माता जी के साथ चल रहे हैं, और जितना हो सकेगा हम लोग माता जी के साथ आगे तक बिहार कराएंगे, हो सकता है सागर भी चले जाएं। हम लोग को अंदर से इतना जोश है कि हम माता जी के साथ चल तो पा रहे हैं, ऐसा हमें पुण्य लाभ मिल तो रहा है उनके साथ। जय जिनेंद्र।